नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो चीजें बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो पहले हम मार्केट व्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम वो बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। तो पूरा वीडियो बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था उस तरीके से ही मार्केट में करेक्शन देखने को मिले। अब इस महीने सॉरी इस हफ्ते किस तरीके से अप मूव या डाउन मूव आने वाला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि वापस एक बार हमारा जो प्रिडिक्शन है वो बराबर ही आएगा। दूसरी चीज, हम मई महीने के मिड में है, यानी फर्स्ट 15 डेज में हमने काफी उठापटक देखी है और बेयर्स हावी होते नजर आ रहे हैं। तो लेटर 15 डेज जो कि एक्सपायरी की ओर चल रहे हैं हम मई के, तब क्या होने वाला है? उधर शॉर्ट कवरिंग देखने में मिलेगी या ऊपर से जो लॉन्ग्स है वो ट्रैप है, वो और ट्रैप होते दिखेंगे? इस पे हम ज्यादा चर्चा करते नजर आएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था, ये ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ है, हम गैप से कुल नीचे आए और कंसिस्टेंटली हम नीचे नीचे चलते नजर आए। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे है। क्यों इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर हमेशा देखा गया है कि अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये एक बार फिर से हमने प्रूव कर दिया है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल्स अपनी जगह पे है, टेक्निकल्स अपनी जगह पे है। कई फंडामेंटल एनालिस्ट लॉन्ग पोजीशंस की कॉल देते हैं, भाव उधर के उधर रहते हैं या नीचे आते हैं। तो हमें क्या देखना है? ट्रेंड देखना है। ट्रेंड इज माई फ्रेंड, ये अगर आपने कहावत सुनी है और उसके साथ चलते हैं तो आप कभी ट्रैप नहीं होंगे। पिछले हफ्ते मैंने एकदम क्लियरली कहा था कि 7 अक्टूबर का वीडियो देखिए। 7 अक्टूबर के वीडियो में मैंने कहा था कि 7 अक्टूबर 2021 इन स्तरों पे मैंने कहा था कि मार्केट ओवरस्टेज है क्या, और वेव 1 खत्म हुई है, वेव 2 की शुरुआत हुई है, और हम इतने महीने कंसोलिडेट करते नजर आ रहे थे। फाइनली हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला जहां से हमें वेव 2 का कंफर्मेशन आता नजर आया। तो मेरा मानना है कि अभी भी वेव 2 है, और बहुत मुझे ट्वीट्स मिली है, बहुत मुझे पर्सनल मोबाइल पे मैसेजेस मिले कि हमें टारगेट नहीं पता चला, हमने वापस एक बार 10 बार हमने 7 अक्टूबर का वीडियो देखा। दोस्तों, मैंने ये सिर्फ कहा था कि ये वेव 2 का कंफर्मेशन है, ये आप देखिए मैंने कब प्रेडिक्ट किया था। मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है। और मैंने ये भी कहा था कि एक्सक्लूसिव यानी पेड मेंबर्स, एक्सक्लूसिव मेंबर्स को हम जब वेव 2 खत्म हो जाएगा तब आप लोगों को एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बना के दूंगा, यानी कौन से लेवल्स पे कौन सा स्टॉक लेना है ये क्लैरिटी के साथ मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना है, आपको मार्केट में रहना है, हमें देखना है किस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है, किस तरीके से चार्ट पैन आउट हो रहा है। अगर ये सब आप देखते रहोगे तो नेक्स्ट टाइम जो वेव 2 या वेव 4 की करेक्शन आएगी तब आप नहीं फंसोगे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन से वेव में है। जो एक्सक्लूसिव पेड मेंबर्स है उनको 7 अक्टूबर से आज तक हमने बहुत कम लॉन्ग टर्म कॉल्स दिए हैं। फ्रस्ट्रेट हो गए हमारे पेड मेंबर्स, पर आज बहुत खुश है कि हमने सही जगह पे रिकमेंडेशंस नहीं दिए। सही जगह पे रिकमेंडेशंस आएंगे। तो ऊपर में हमने रिकमेंडेशंस नहीं दिए वेव 1 के खत्म होते होते, वेव 2 के खत्म होते होते हम बहुत सारे रिकमेंडेशन देंगे। इसका मतलब है हम बॉटम पे बाय करेंगे और अगले थर्ड वेव का इंतजार करेंगे जहां पे हमें बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलेंगे, बेहतरीन यानी सुपर डुपर। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, एक्सक्लूसिव पेड मेंबर्स को सिर्फ पेशेंस रखना है। जो मेरा सिर्फ यूट्यूब फॉलो करते हैं या सिर्फ ट्विटर फॉलो करते हैं उनके लिए वेव 2 खत्म का ऐलान यूट्यूब वीडियो में बिल्कुल पता चल जाएगा। तो आपकी तरफ से आपको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं तब वो ले सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी भी वेव 2 खत्म नहीं हुआ है। वेव 2 खत्म होने पे मैं ये बताऊंगा। और वेव 2 के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि और काफी बड़ी डाउनसाइड बिल्कुल देखने को मिलेगी।
मैंने 7 अक्टूबर की वीडियो में पिछले वेव 2 कितने परसेंटेज से गिरते हुए नजर आए ये मैंने बताया, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये वेव टू कहाँ खत्म होगी। तो आपको अगर वो देखना है तो आपको ये समझना है कि इसमें कहाँ तक जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उधर तक जाएगा ही जाएगा। हर वेव टू का करेक्शन ऊपर नीचे थोड़े परसेंटेज से फर्क पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस। अभी इस हफ्ते के लिए हम जिस लेवल्स पे है वहां पे हम काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, काफी ओवरसोल्ड यानी। और दूसरी चीज क्या है, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं, मैं थोड़ा सा और कॉम्प्रेस करता हूँ, लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही होगी, तो इस जगह पे बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया था, उन्हीं सपोर्ट्स के बहुत नीचे है। तो मेरा मानना है कि इधर से एक छोटा सा पुल बैक बनता है, पर ये छोटा सा ही पुल बैक होगा। पुल बैक का मतलब रैली नहीं होता, समझ लीजिए, पुल बैक का मतलब रैली होना ही चाहिए ऐसा नहीं। कई बार साइडवेज चले जाते हैं, यही पुल बैक रहेगा और उसके बाद नीचे चल जाएंगे। मैं एग्जाम्पल की तौर पे बताता हूं, ये एक बड़ी अपमूव आने के बाद ये जो था ये टाइम करेक्शन था, ये इधर दिख रहा है वो, ये टाइम करेक्शन था। अब क्योंकि ये अप ट्रेंड था, प्रोबेबिलिटी ये और अप ट्रेंड होने की ज्यादा है। अब की बार क्या होने वाला है ये मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूं। अब की बार शायद हम ये टाइम करेक्शन करेंगे, इसको हम टाइम करेक्शन या पुल बैक भी कह सकते हैं। तो ये होगा पुल बैक, बेस्ट केस सिनेरियो अभी के लिए 16,500 दिख रहा है। बाद में जैसे जैसे निफ्टी पैन आउट होगा मैं उसकी प्रिडिक्शंस मार्केट आउटलुक डेली में बिल्कुल बनाता नजर आऊंगा। पर अभी के लिए मेरा मानना है कि हम करंट लेवल से 16,200, 300, 500 बेस्ट केस सिनेरियो इस जगह पे हम ट्रेड करते नजर आएंगे, जैसे कि हमने इधर किया था। उसका जब ब्रेक डाउन आएगा तब सही जगह से सही मायने में एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। इतने बड़े फॉल के बाद अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं इमीडिएट फॉल आना है तो वो प्रोबेबिलिटी कम है, ना नहीं है, कम है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए बॉटम फिशिंग करना नहीं है, बॉटम फिशिंग करना है जब वेव टू खत्म हो जाएगा। दोस्तों अभी के लिए जैसे मैंने कहा करंट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, 16,300 से 16,500 बहुत ही रेजिस्टेंस वाला जोन है, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। शुक्रवार के दिन डाउ जोन्स 350, 400, 450 पॉइंट्स फ्यूचर्स ऊपर दिखा रहा था, इसके बावजूद हम डेज लो पे क्लोज करते नजर आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे इधर सप्लाई है। ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ऊपर में बिकवाली देखने को मिलने वाली है। क्यों देखने को मिलने वाली है, जिन्होंने जिन्होंने इस जगह पे बाय किया हुआ है, इस रैली में बाय किया हुआ, जैसे जैसे उनके भाव आएंगे, मेरा भाव आ गया मैं इससे बच रहा हूं, मुझे बेचना है, इस तरीके की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी और उसके वजह से हमें बिकवाली देखने को मिलेगी। दोस्तों हमें समझना चाहिए ट्रेंड इज माय फ्रेंड। अभी के लिए मैं मानता हूं करंट लेवल से बेस्ट केस सिनेरियो 16,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। नीचे में मुझे बहुत बड़ा डाउनसाइड नहीं दिख रहा है इमीडिएटली, क्योंकि मैं मानता हूं टाइम करेक्शन होना चाहिए, पर ऊपर में जब इंडेक्स जाएगा तो हमें बिकवाली करने को मिल जाएगी। दोस्तों उसके साथ साथ हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखना है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखते हैं तो कई स्टॉक्स है जहां पे पैटर्न्स बन रहे हैं और ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, तो वो स्टॉक्स और नीचे आते हुए देखेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफी रहेगी, इंडेक्स स्पेसिफिक रेंज बाउंड देखने की प्रॉबिलिटी है। हाई सेल ऑन राइज, ये रणनीति इस सेकेंड वेव में अपनानी चाहिए। अभी आते हैं निफ्टी का डेटा देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा। निफ्टी का 19 मई की एक्सपायरी का हम डेटा देख रहे हैं। ऊपर में सबसे बड़ा ओआई कहाँ है, ये रहा 16,000 में, 16,000, 16,100 इधर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि इधर कॉल राइटिंग हो चुकी है, यानी इधर मंदी के सौदे हुए हैं। नीचे में यानी 16,000 बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं इधर अभी के लिए। जैसे जैसे वो क्रॉस होगा, अगर डेटा कुछ चेंज होता नजर आएगा, तो मेरा मानना है कि आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑन द लोअर साइड
देखिए पोजीशंस कितनी हल्की है, ऑन द लोअर साइड बड़ा ओआई ही नहीं दिख रहा है, यानी लोग डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा वाला ओआई जो सेफ पुट राइटर है वो 15,000 में बैठा है। अभी हम 15,900 के आसपास है, 15,000 पे इतनी सेफ पुट राइटिंग हो रही है 4 दिन के अंदर। यानी मंदी में मार्केट जिस तरीके से एलिवेटर से नीचे आता है, वो फैक्ट समझ के 15,000 में पुट राइटिंग हो रही है, यानी उधर तेजी के सौदे हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि 15,000 वॉलेट नहीं होगा, तो इधर मुझे लगता है कि ये बहुत दूर की बात है, पर मेरा मानना है कि ये लेवल्स देखने को नहीं मिल जाने चाहिए, इतनी पैनिक नहीं आनी चाहिए। जितना थोड़ा सा टाइम करेक्शन होगा उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों ये रहा ऑप्शन चेन डेटा का। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, अभी हम आएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में अगर चार्टिकली देखा जाए तो मेरा मानना है कि हम वापस इस सपोर्ट्स के नजदीक है, और बैंक निफ्टी जितना निफ्टी के कंपैरिजन में कम टूटा हुआ है पर सपोर्ट्स के नजदीक है। वापस एक बार 32,000 बहुत अच्छा बेस बनता नजर आएगा, क्योंकि 32,000 ये लेवल है जहां पे ये टॉप्स थे, ये बॉटम्स थे, ये बॉटम थे, तो 32,000 बिल्कुल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर साइड 36,000 के जब तक हम नीचे है तब तक हम तेजी की बात नहीं करेंगे। सेल ऑन राइज वापस एक बार बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। उसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन डेटा गुरुवार रात को या शुक्रवार को सवेरे आया था वो काफी खराब था, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, एनबीएफसी के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता तब तक के लिए थोड़ा सा बैंक स्टॉक से परहेज रखें। ये रहा बैंकिंग सेक्टर पे। हम सेक्टर्स पे अभी बात नहीं करेंगे, सेक्टरल इंडेक्सेस नहीं देखेंगे क्योंकि सब करेक्टिव देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए शांत रहेंगे, वेव टू खत्म होने की राह देखेंगे। जैसे ही वेव टू खत्म होगी हमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे देखने को मिलने वाले हैं, तो इसका इंतजार बिल्कुल करेंगे। अभी हम आते हैं पीसीआर में। सेल ऑन रैली की रणनीति के बारे में बात कर रहा था, राइट? तो कब बेचना है तो ये पीसीआर बताएगा। हम डाउन ट्रेंड में हैं। अभी मैं आता हूं पीसीआर के चार्ट पे। ये पीसीआर का चार्ट है। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो डेटा है, पुराना हिस्टोरिकल डेटा है और उसके अपडेशंस अगर आपको चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं info@kiranjadhav.com, info@kiranjadhav.com, इस पे मेल लिखिए, आपको ये पूरा डेटा हम ईमेल करते नजर आएंगे। तो दोस्तों इसका एडवांटेज लीजिए, ये सीखिए, बहुत आसानी की तरह से पैसे मिलते हैं पोजिशनल कॉल्स पे। अभी देखते हैं, देखिए हम अभी ओवरसोल्ड जोन में हैं और इस ओवरसोल्ड में बेस्ट केस सिनेरियो हम 1.2 1.3 पे जाते हैं। तो अगर हम 1.2 से बिकवाली करना चालू करते हैं पीसीआर पे तो हमें वापस एक बार 0.7 0.65 ये लेवल्स आते नजर आएंगे। और जैसे ये जोर से 1.2 से 0.7 तक आएगा तो निफ्टी में 400 500 600 पॉइंट आपको मिलते नजर आएंगे। तो आपको बेचना कब है? 1.2 के ऊपर और थोड़ा सा ऊपर जाता है तो और बेचना है, और बेचना है, और आपको पोजिशनल पोजिशन लेनी है। तो मेरा मानना है कि अगर इन लेवल्स के आसपास आप शॉर्ट करते हो निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता नजर आएगा पोजिशनली। तो अभी के लिए बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन रैलीज। आपको इंतजार करना पड़ेगा, पिछले 2 हफ्ते से मार्केट गिर रहा है, पीसीआर ऊपर ही नहीं आ रहा है, बेस्ट केस सिनेरियो 0.8 तक गया था पिछले हफ्ते, उसके ऊपर ही नहीं गया, तो ये टाइम फ्रेम की बात है। देखिए दोस्तों इन 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 लेवल्स पे देखिए, जब मार्केट तेजी में था इन लेवल्स पे क्या हुआ था, पीसीआर नीचे ही नहीं आ रहा था पर निफ्टी और ऊपर ऊपर जा रहा था। उसके एग्जैक्टली अपोजिट अभी इधर होने वाला है, क्योंकि ट्रेंड इज माय फ्रेंड, जिस कहावत से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं, उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो अभी बिकवाली कब करनी है, 1.2 और उसके ऊपर आपको बिकवाली करनी है, पोजिशनली रुकना है,
दो चार आठ दस दिन और आपको नीचे के लेवल्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे और बड़ा फायदा होता नजर आएगा। तो ये रहा पीसीआर और निफ्टी, इसका कंपैरिजन। इसके चार्ट्स चाहिए आपको, ये जो डेटा है, देखिए ये डेटा है इधर, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा देखने को मिलेगा आपको। ये पूरा डेटा जो है जून 19 से आज तक, ये जो डेटा है ये आपको ईमेल किया जाएगा, जहां पे आपको आपके लेवल्स डालने हैं बाद में। तो ये डेट, उसका पीसीआर, और ये कहाँ मिलता है पीसीआर और वैल्यू? बहुत आसान है दोस्तों, हमारे वेबसाइट पे जाइए और हर घंटे आपका पीसीआर मिलेगा। हर रोज आपको ये 330 का पीसीआर 0.74, यानी इधर आपको जाके 0.774 लिखना है, उसकी निफ्टी की वैल्यू लिखनी है उसके डेट के सामने। तो फर्ज करो आपने ये डेटा मंडे को मंगवाया, मंडे इवनिंग 3:30 के बाद इधर जो पीसीआर रहेगा वो इधर डालना है, निफ्टी की वैल्यू इधर डालनी है, और फिर सिर्फ चार्ट देखना है और आपको पता चल जाएगा कि पीसीआर का चार्ट कैसा है। ये पूरा रेडीमेड आपको देंगे दोस्तों। अभी के लिए मैंने जो पीसीआर का बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही सही मायने में जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्केट आउटलुक डेली रजिस्ट्रेशन। क्योंकि ये मार्केट जब ट्रेंड रिवर्स होगा मिड वीक में, तो मैं उधर ही बोलूंगा आपको कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है। तो आपको अभी के लिए ये हर रोज सवेरे 5:30-6 बजे अपडेट होता है, उसको देखना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। और अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट, जो कि पहली अनाउंसमेंट थी पीसीआर, जहां पे आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आपको ईमेल किया जाएगा ये पूरा चार्ट। तो प्लीज info@किरणजाधव.com इस पे आप ईमेल लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इस नंबर पे 9595113344 इस पे कॉल करना है। ये कॉल सिर्फ 9:30 से 5 बजे तक एंटरटेन किए जाएंगे। अगर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अगर आपने कॉल दिया तो आपको एसएमएस आएगा, एसएमएस आना है आ गया, इसका मतलब है हमारे पास आपका नंबर आ गया है, हम सामने से आपको फोन करेंगे और आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व करेंगे। तो ये भी नंबर है जहां पे आपको अगर पीसीआर का डेटा का ईमेल नहीं आया हुआ है तो आप इधर फोन करके चेक कर सकते हो। अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आपने मेल किया है तो सवेरे बहुत सारे मेल्स आ गए होंगे, तो वो रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन आपको पेशेंस रखना है, उसके बाद आपको ईमेल जरूर मिलता नजर आएगा दोस्तों। अब सबसे बड़ी वाली अनाउंसमेंट, पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि हम वेव 2 में है और नीचे जाएंगे, और मैं इसका एडवांटेज लेना चाहिए। दो तरीके से एडवांटेज ले सकते हो। पहला जो एडवांटेज लेने का तरीका है, हमारे जो पेड मेंबर्स है जिन्होंने हमारा वर्कशॉप किया है उनको ही समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि जो पेड मेंबर्स है उनको हमारी जो पेड मेंबर्स और जो टेक्निकल असिस्ट जिन्होंने किया है उनको ये चार्ट समझते हैं हमारे तरीके से, हमारे नजरिया से। तो जब हम कहेंगे कि ये बाय करो तो उनका कन्विक्शन लेवल हाई रहेगा। तो ये पहले अनाउंसमेंट थी। दूसरी जो एडवांटेज है, जो हमें पिछले हफ्ते मैंने जो वीडियो दिया था और वेव 2 के बारे में बात की थी, तो मैंने कहा था आपको वर्कशॉप करना इस फॉल में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। तो मुझे ट्विटर पे, पर्सनल नंबर पे, मैसेंजर पे, और सोशल मीडिया पे बम्बार्डिंग हुई कि आपका वर्कशॉप फीस बहुत ही महंगा है। दोस्तों वैल्यू है वैल्यू, तो वैल्यू मुझे लगता है कि ये बहुत फेयर वैल्यू है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे पास मनी बैक गारंटी है, पर फिर भी आपने इतना जोर दिया है इसलिए सिर्फ अगले महीने का वर्कशॉप, सिर्फ अगले महीने का वर्कशॉप, जून में होने वाला वर्कशॉप, उसकी फी मैंने 15,000 प्लस जीएसटी की है, 10,000 रुपीज डिस्काउंट। अभी ये समझना है, देखिए मैं अभी इधर क्लिक करता हूं, ये बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस वर्कशॉप, मैं इधर क्लिक करता हूं। मेरा नाम आशीष केलकर है और मैं आपका किरणजाधव.com पे स्वागत करता हूं। दोस्तों ये क्लिक करने के बाद इधर मनी बैक गारंटी ऑफर है, ये 15,000 रुपीज का जो मैंने जून सीरीज के लिए, मैं जून में जो वर्कशॉप है
उसके लिए जो अनाउंसमेंट की है 10,000 रुपीज डिस्काउंट, इसको भी 100% मनी बैक गारंटी ऑफर रहेगी। आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने हैं, आराम से पढ़िए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वर्कशॉप जो 25,000 प्लस जीएसटी है, ये जून महीने के लिए 15,000 प्लस जीएसटी रहेगी। इसमें अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट नहीं होगा, स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं होगा, सबके लिए एक बराबर 15,000 प्लस जीएसटी। लिमिटेड सीट्स रहेंगे, अनलिमिटेड सीट्स नहीं रहेंगे। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होगा जून सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकता है। ये सारा ऑनलाइन वर्कशॉप होता है। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल्स बताना चाहूंगा। सैटरडे को ये वर्कशॉप होगा, कौन से तारीख को, तो 4 जून सैटरडे है, उस दिन ये वर्कशॉप चालू होगा। ये चालू होगा एग्जैक्टली 9 बजे। आपको लॉग इन करना है 8:45 से लगातार। ये आपको छोटे छोटे ब्रेक्स दिए जाएंगे बीच में, ऑनलाइन वर्कशॉप होगा, आपके घर में आराम से बैठ के ये वर्कशॉप अटेंड करना है। शाम को 6:30 तक चलेगा। संडे को वर्कशॉप चालू होगा सवेरे 8:30 बजे, शाम के 7 बजे तक चलेगा। आपको लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको पता भी नहीं चला कैसे दिन गए। ये 2 दिन होंगे, ऑनलाइन वर्कशॉप होने के कारण ये 2 दिन में वर्कशॉप खत्म नहीं होगा। तो मंडे को जो रिमेनिंग पार्ट है वो शाम को 7 से 9:30 बजे तक चलेगा। फिर भी खत्म नहीं हुआ तो ट्यूसडे को शाम को 7 बजे से 10 बजे तक चलेगा। फिर भी आपके क्वेरीज खत्म नहीं हुए और कुछ डेटा है जो हमें बताना है, सीखाना है, तो वेनसडे को चलेगा, थर्सडे को चलेगा। पर हमारा जो एक्सपीरियंस है, नॉर्मली ट्यूसडे को वर्कशॉप खत्म हो जाता है। तो ये 2 दिन पूरे, और मंडे के 7 से 9, 9:30, वेनसडे ट्यूसडे के 7 से 9, 9:30, ये वर्कशॉप के टाइमिंग्स रहेंगे। दोस्तों ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, ये ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये ग्रैब करने के बाद जो मैं कहता हूं उसका आकलन आपको समझ में आएगा, उसकी इंटेंसिटी पता चलेगी कि मैं कैसे बराबर हमेशा प्रेडिक्ट करता हूं, उस तरीके से आप समझ में आएंगे और आपका कन्विक्शन लेवल अलग लेवल पे जाएगा। और कन्विक्शन अगर बराबर है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में डर नहीं लगेगा, और जब डर नहीं लगेगा तो बड़ी बड़ी मूव्स आप खाते नजर आओगे। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, ये लिमिटेड सीट्स है, पहले से बोल रहा हूं लिमिटेड सीट्स है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो आप इस फॉल का एडवांटेज ले पाओगे। क्योंकि 7 अक्टूबर में मैंने क्लियर कट कहा है, सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आता है, जो कि फर्स्ट वेव के ऊपर, फर्स्ट वेव का जो टॉप है उसके ऊपर चला जाता है, और फिर उसकी करेक्शन आती है, और फिफ्थ वेव। तो अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, डरने की बात नहीं है। इस करेक्शन में जो गलतियां की है इसके पहले, वो हम उसको हम ही माफ करेंगे, और जो आने वाला कल है उसकी ओर देखेंगे। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्ते।